चंडीगढ़ का। लगना तो पकड़ लो सर, कैमरा में भी नहीं आ रहा। वो बड़का वो चलवा दिल लगन वाला एक दो गो रखो ना। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि 10-11 तारीख की रात्रि में कि एक ट्रक जो है उसमें शराब लोड करके और सुरगढ़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र में कहीं नदी के किनारे लोड अनलोड करने के लिए जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना दी गई थानाध्यक्ष सुरगढ़ा चंदन कुमार को और इवन तत्परता दिखाते हुए अपना बल लेकर जब उस रोड पर पेट्रोलिंग के लिए निकले तो सूर्य चक जो सुरगढ़ा से पिपरिया की ओर रोड जाती है सूर्य चक में, वहाँ नदी के किनारे एक टाटा DCM ट्रक नदी किनारे लगी हुई थी और उससे माल अनलोड हो रहा था नाव पे, जिनके द्वारा देख के बाकी सब वहाँ नदी और अंधेरे का फायदा उठा के जितने थे सब वहाँ से भाग गए और उसी क्रम में इनके द्वारा छापेमारी करके और ट्रक बरामद हुआ, साथ में शराब का बहुत बड़ा खेप बरामद हुआ। उसके बाद जो मेन अभियुक्त हैं उनके बारे में भी पता है लेकिन हम लोग अनुसंधान के लिए उसका नाम अभी नहीं खोल सकते। और उसमें कितना शराब है सर? रिकवरी में एक टाटा मिनी ट्रक है और एक 28 फीट लंबा नाव है जिस नाव से लेके मतलब नदी उस पार रामचंद्रपुर गाँव वगैरह में इसका भंडारण होता है इस शराब का। और इसमें कैप्सन ब्लू रिजर्व विस्की जो है 750 ml का 5 कार्टून, कैप्सन ब्लू रिजर्व विस्की 375 ml का 48 कार्टून और कैप्सन ब्लू रिजर्व विस्की 180 ml का 47 कार्टून। उसके अलावा कैन मार्टिन्स 500 ml बियर का 2 कार्टून, टोटल 102 कार्टून विदेशी शराब जिसमें बोतलों की संख्या 3516 और कुल मात्रा 907 लीटर 80 ml विदेशी शराब। कितने मूल्य का लगता है सर अनुमान? 907 का तो अच्छा खासा इसका मूल्य लगता है। नाव से तस्करी करके उसको क्यूल नदी जो हरोहर नदी है उसी से तस्करी की जाती है। उसमें फायरिंग भी उधर पिपरिया थाना अध्यक्ष को भी बोला गया था, फायरिंग वायरिंग की घटना की पुष्टि तो नहीं हो रही है क्योंकि पुलिस बल ही था और अंधेरे का फायदा उठाकर सब भाग गए, चारों तरफ से घेरा गया था। उधर से पिपरिया थाना अध्यक्ष भी थे और जो टीम है उसको पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोसिक्यूट करने के लिए बोला गया। थैंक यू सर।